दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RRB यानी रेलवे भर्ती बोर्ड की जो पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती है। तो दोस्तों पैरामेडिकल स्टाफ के जो एग्ज़ाम है 19, 20 और 21 जुलाई को यानी कि 3 डेट के अंदर ये एग्ज़ाम आपके संपन्न करवाए जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपकी जो सबसे ज़्यादा पद थे स्टाफ नर्स के थे, लैब टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, बहुत सारे जो पैरामेडिकल की पोस्टें थी, पद थे, उनके लिए दोस्तों यहां पर जो एग्ज़ाम डेट रिलीज की जा चुकी है। अब दोस्तों आपको अपना जो है एग्ज़ाम सिटी यानी कौन से शहर में एग्ज़ाम है और किस दिन जो एग्ज़ाम है वो भी पता कर सकते हैं। तो कल एक वीडियो डाला था, उस पर 2-3 कमेंट आए थे कि वो ओपन नहीं हो रहा, हम नहीं देख पाए। तो वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको देखना है। तो सर्वप्रथम आप गूगल के किसी भी ब्राउज़र में जाकर के RRB अजमेर टाइप कर देना और उसके बाद ओपन कर लेना जो पहले वाला लिंक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप ओपन कर लेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आपके सामने होगा, रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करते जाइएगा, ठीक है। स्क्रॉल करते जब आप जाएंगे तो आपको चेक करना है CEN02-2019, ठीक है, यानी कि 2019 का सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, दो दूसरे नंबर का नोटिफिकेशन था, दूसरे नंबर का जो विज्ञापन था वो आपका था पैरामेडिकल कैटेगरी का, ठीक है। तो इस पर हमको यहाँ पर देखिए दोस्तों 9-7 क्लिक हेयर टू व्यूइंग सिटी इंटीमेशन मॉक टेस्ट एंड ट्रेवल पास फॉर SC ST। तो ये जो पहला लिंक है CEN जो हरे कलर में इससे नीचे वाला, इस पर हमें सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने देखिए ये इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, आपके फॉर्म के सबसे ऊपर होंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपकी एंटर डेट ऑफ बर्थ, तो ये डेट ऑफ बर्थ भी आपको लगानी है। उसके बाद सबमिट वाला बटन है वो यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर था, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ जब आप इसमें सबमिट करेंगे तो ओब्लिक का प्रयोग जरूर करें। जैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 3/2/1995, तो इधर ओब्लिक का प्रयोग आपको जरूर करना है। अगर आप ओब्लिक का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये कॉल आपको नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। तो जैसे हम इसमें अब ये डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, ठीक है, जैसे 03 ओब्लिक का हम प्रयोग कर लेते हैं, 02/1995, ठीक है। तो और यहाँ पर सबमिट का जो बटन है उस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों ये यहाँ पर कि आ चुका है, ठीक है, जितेंद्र कुमार, ये ईमेल आईडी इनका, रजिस्ट्रेशन नंबर और RRB अजमेर, ठीक है, और यहाँ पर टेस्ट सिटी जयपुर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं, इनका जयपुर सेंटर आया। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप ये ओपन करेंगे तो अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो क्लिक हेयर पर प्रैक्टिस टेस्ट, तो आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, यानी कैसा पेपर आएगा आपका जब 19, 20 और 21 जुलाई को जब आपका एग्ज़ाम होगा तो कैसा पेपर आ गया वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की है और जो देखना चाहते हैं किस तरीके का पेपर आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप इस पर क्लिक हेयर फॉर प्रैक्टिस टेस्ट, इस पर भी क्लिक करके आप पेपर दे सकते हैं, देख कर दे सकते हैं कि किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपको आपकी एग्ज़ाम सिटी का पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। ध्यान रखें जब आप डेट ऑफ बर्थ जैसे डाल रहे हैं तो वहाँ पर आप ओब्लिक का प्रयोग जरूर करें, ठीक है, तो तब ही आप देख पाएंगे। बगैर ओब्लिक के अगर आप डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ डालेंगे बगैर किसी ओब्लिक के या बगैर किसी सिंबल के, तो वहाँ पर आपको आपका यहाँ पर जो सिटी है वो आप नहीं देख पाएंगे कौन से सिटी में आपका सेंटर है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।